बंदे का कहना है कि यहाँ पे देखिए जी एक झंडा लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस से ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात कि वो झंडा कहाँ से आया। वो जगह जो है वो गद्दी समुदाय लोगों के द्वारा बनाई गई जगह है, उनको रात को रहने के लिए बनाई गई जगह है। मिथुन पंडित झूठ बोलेगा ना तो वीडियो में पिटेगा, और इतना पिटेगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और तेरी जो तूने झूठ बोला है ना उसका तेरा ना मैं पर्दाफाश जो है ना वो करके रहूंगा। वो तो वीडियो में बना जूर रही हो, लास्ट तक बना रही हो। भाई को जानने के लिए मेरी जनता से गुजारिश है ना कि लास्ट तक हमारे साथ में ना बने। तो भाई आप ये वीडियो देखिए पहले। तो मैं मणि महेश की कैलाश चोटी पे हूँ, ये आखिरी चोटी है। यहाँ के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खाई सी है, और वो जो सामने नीचे दिख रहा है आपको ये है कमल कुंड। देख सकते हो कि यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, और ये कैलाश की आखिरी चोटी है जहाँ पर लोग कहते थे कि किसी को भी चढ़ पाना नामुमकिन है। ऐसा है कि चेयर टाइप में बना है जिसमें कुछ सिंहासन है, जिसमें कुछ आपको बैठने जैसा है। हो सकता है भोलेनाथ का यहाँ पर प्रकोप है, और मैं मानता भी हूँ कि शिव जी हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मैं अब नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और बारिश हो रही है। मेरे पास और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, इसलिए जी धन्यवाद, मैं झारखंड का आया हूँ। आप देख सकते हैं मैं मिथुन पंडित झारखंड से। जय भोलेनाथ। बारिश होने लगी है तेज, मुझे घराटों की तरह तहत नीचे पानी के साथ ही उतरना पड़ेगा, वरना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जय भोलेनाथ। तो भाई बात कर रहे हैं एक विचित्र जानवर की जिसका नाम है मिथुन पंडित, और ये झारखंड का रहने वाला है। इस जानवर रूपी इंसान का कहना है कि वह श्री मणिमहेश पर्वत की चढ़ाई जो है वह कर चुका है। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कितने बड़े टैलेंटेड क्लाइंबर जो होते हैं, जिनके पास की सब तरह के औजार होते हैं, वो आज तक श्री मणिमहेश के ऊपर क्यों नहीं चढ़ सके। और भाई ये बंदा जो है एक जोड़ी जूतों में जो है वो पूरा मणिमहेश पर्वत जो है वो चढ़ चुका है, इसका ऐसा दावा है। मणिमहेश ट्रस्ट से प्रार्थना है कि ऐसे जानवरों के लिए जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो सजा निर्धारित की जाए, क्योंकि लाखों लोगों की श्रद्धा श्री मणिमहेश से जुड़ी हुई है, और इसकी मनाही के बाद भी ऐसा कदम क्यों उठाया गया। एक बार इटली ने 1965 में चढ़ने की कोशिश की थी जो कि इसमें असफल रहे, और दूसरी बार 1968 में भारत और जापान ने चढ़ाई की कोशिश की जिसमें कि वो असफल हुए। तो जो गद्दी समुदाय के लोग होते हैं उनको चढ़वा बोला जाता है हमारे यहाँ पे, जो कि भेड़ बकरियाँ जो है वो चढ़ाते हैं। तो ये जगह जो है जिसका कि वो दावा करता है कि मैं टॉप पे हूँ, भाई वो टॉप नहीं है। वो जगह जो है वो गद्दी समुदाय लोगों के द्वारा बनाई गई जगह है, उनको रात को रहने के लिए बनाई गई जगह है, जहाँ पे वो अपनी भेड़ बकरियों को भी वहीं पे रखते हैं और साथ में खुद भी सोते हैं। और जो बैठने की जगह जो बता रहा है वो गद्दी समुदाय के लोगों के द्वारा बनाई गई है, और जो इस वीडियो में झंडा दिख रहा है आपको, तो वो झंडा जो है भाई उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। क्योंकि इससे पहले वहाँ पे अगर ये बंदा कह रहा है कि मैं मणिमहेश पे आ चुका हूँ, तो भाई ये मणिमहेश पे पहली बात तो कोई आज तक पहुँचा ही नहीं, दूसरी बात जिस जगह पे वो है बंदा, तो भाई वहाँ पे बंदे आते हैं गद्दी समुदाय के लोग आते हैं, तो वहाँ पे झंडा तो लाजमी लगना ही लगना है, और वो उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। उन्हीं के द्वारा वहाँ पे जो है वो बैठने की जगह बनाई गई है, अपना रात को जो है ठहरते हैं उसकी व्यवस्था की जाती है, तो वो पत्थरों के ऊपर ही जो है वो उनको उसी तरीके से बनाते हैं कि अपना जो भी है बिस्तर वगैरह डाल के वो आराम से सो सके। वो तो वो झंडा भी उन्हीं के द्वारा लगाया गया है, और वो जगह भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि अगर वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, ये देखिए झंडा लगा हुआ है, तो वो झंडा जहाँ पे लगा हुआ है भाई, तो वो झंडा जो है वो किसने लगाया उससे पहले? वो तो किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे तो कोई गया ही नहीं आज तक। तो वो भाई झंडा जो है वो गद्दी समुदाय के लोगों के द्वारा ही लगाया गया है, और वहाँ पे जो बैठने की जगह बनाई गई है वो भी गद्दी समुदाय के लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। और ये जो वीडियो में दावा कर रहा है भाई, ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। और वहाँ पे काफ़ी ऐसी चोटियाँ हैं आमड़े सामने श्री मणिमहेश पर्वत से जहाँ के से कि ऐसा व्यू जो है वो आराम से जो है वो लिया जा सकता है। तो भाई ये जो उस बंदे ने फोटो डाल रखी है और जिसमें कि दावा करता है कि ये पहाड़ी के पीक के ऊपर है, टॉप के ऊपर है, तो भाई मैं आप सबसे ये बता दूं, और हर कोई जनता इससे सवाल करे या इस फोटो को जो अच्छी तरह से देखे और ये बताए कि भाई इस फोटो में जो घास है वो कहाँ से आई, क्योंकि मणिमहेश पीक के ऊपर तो कहीं घास है ही नहीं, वहाँ पे तो हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है, और जो डल झील है हमारी वहाँ से ऊपर टोटल ही पत्थर होते हैं, वहाँ पे घास का नामो निशान तक नहीं होता भाई। फोटो में ये बंदा जो है दावा कर रहा है कि देखिए जी मैं यहाँ पे हूँ, फलानी लोकेशन पे हूँ, और ये डल झील ये रहा वो। पर जो भी मेरा भाई इस वीडियो से खुश है और भोले का भक्त है ना, तो इस पंडित के नाम पे ना लाइक जरूर ठोक देना, ताकि इस बंदे को पता लग जाए